विश्वकर्मा और इस पार्टी के हमारे मैनेजर साहब, ये रहे शिवाकांत राजपूत और इस पार्टी के हमारे मैनेजर साहब, ये हैं रामजीवन टेलर लाखन का गाना उर्फ बूंदीगढ़ की लड़ाई। साले बहुत बड़ा शेर बनता था ना, शेर बनता था, क्या बात रे। अरे कहत उम्र दमी गई दहिया की, बहुत बड़े मर्द बनते थे है? तुम्हें मालूम नहीं, ये शहर बूंदीगढ़ है, है? साले गाना के लिए चलाया, अरे कहता हूं मारो मेरे बहनों, मर्द में दिखाने आया था, बहुत बड़ा साला बलवान समझता था अपने आप को, क्यों रे, कितने बड़े बलवान हो साले, सुन मेरी बात। कहाँ गया रे, इधर आ, तुम्हें ये शहर बूंदीगढ़ दिखाई दे रहा, बोल साले बोल बोल, बहुत बड़ा घमंडी उदयराज अपने आप को बहुत बड़ा, अरे अरे आज क्या होते, अरे मलके दादा
का कौन सी चीज मलखान है, कौन सी चीज मलखान है, मार डालूंगा साले तुझे दर्पण, इसे दाहक में डाल। सुनो मेरी बात दर्पण, अरे नौलखा बिच्छू, जिसमें नौलख बिच्छू सूरज उसी दाग में से डलवा दिया, इसको डलवा दो, छतरी बिच्छू ने डंक मारेंगे, ताला पड़क पड़क उसी में मर जाएगा, फिर माई का लाल पैदा नहीं होगा कि जबरदस्ती बूंदीगढ़ में सुराज बोले, अरे तैता मेरी हाल तलावरिया, दर्पण सूरज में डालो, ए सूरज बोल रहे, अरे हाय विधाता ऊपर देखो, पाप करना नहीं ठीक है, इसे मारना ठीक है, डाल दो इसको, दाग में डाल दो। हाँ दादा, सबो बिच्छू का अधिकार है, दर्पण ये वही में तड़प तड़प कर मर जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है, जाओ जैसे क्या है दादाजी, इसको डाल दो, ऐसा काम होगा, चलो जाओ इसे दाग में लेकर के जाओ। इधर देखे उधर आज दाहक में पड़े हुए हैं, और फिर देखे क्या आवाज चीते होती है, सीन आपके समक्ष, और नहीं हर से दिल रूठा हमारे पिया, मेरे बात को ले जाना, कहे दादाजी ये ताला गौना ले आया था ना, हाँ क्यों नहीं, मजा आ जाएगा, अब इसको मजा दिखाया जाएगा और उसी में मर जाएगा, क्यों नहीं दादाजी, बेकार है ना, अगर कीड़ा पड़ने लगे तो इसको निकाल कर बाहर कर देना, ठीक है दादाजी, दादा
हेलो हेलो दरबारी, पता नहीं कहाँ चला जाता है जब मैं आती हूँ। कहे दरबारी ये बता, हाँ जब मैं आती हूँ और जब आती थी तो बहुत खुशहाल नजर आते थे, आज मैं क्या देख रही हूँ, आज बहुत सुस्त नजर आ रहे हो। अरे ये बात, तुम मेरी बहना हो ना? तार पहल हाय जय जय भाई मेरा सूरज मेरा भाई सूरज है। हाँ? नौकर तो क्या, लेकिन मैं भाई की तरह आपको मानती हूँ। ठीक है, ये तो तुम समझते हो जैसा तुम्हारा वो भाई है वैसे हम भी भाई हैं। लेकिन बात बहना कुछ और है। और का मतलब क्या है भैया, सुने मेरी बात को। बहना मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद में बतलाइएगा। कहिए। अरे गौना लेने आ गए श्यामलाल सैंदर की तरफ से 100 रुपए व्यवहार दे रहे हमारी पार्टी, धन्यवाद। हमारे भाई और हमारे पिता ने और उदयराज यानी गौना लेने आए थे। आपका गौना लेने उदयराज आए थे यानी वो मेरे स्वामी के वो भाई छोटे थे, नाम बघूदल, वो मेरे देवर थे। वो देवर क्योंकि तुम्हारे मौसी के लड़के हैं। जी हाँ, और हमारे भाई और पिता ने क्या किया? अरे उदयराज के साथ में जो किया तो वो उदयराज जानता है और मैं जानता हूँ। नहीं ये भैया तुमने बहुत गलत किया, जब अपने बालोई को मारना था पिता, अपने दामाद को मारना था तो पहले अपनी बेटी को और अपनी बहन को मिटा देते, तब बहनोई को मारते और दामाद को मारते। भैया तुमने गलत किया, हाय हमारी खबरिया नहीं महलो मई। दरबार हमें महलों में खबर नहीं, यानी सभी हाल कचहरी में हुआ। ये सब का हाल
बैठक में हुआ है। अच्छा व्यवहार हो भैया लिखा दे हुआ है। सुने मेरी बात को तरपल कहे मेरे देवर मेरा गौना लेने आए ना। हाँ और मेरा भाई और तुम्हारे पिता ने गाना देने के लिए इनकार करके और उदयराज को मार करके दाहक में डाल दिया है। मेरी बात को सुनो कहे मेरी मदद कर सकते हो और यहाँ पर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है और मैं जा रही हूँ खुद दाग पर अपने देवर को अपने हाथ से निकालूंगी। ठीक है बहना ये रेशम रस्सा लीजिए। तरपल ये बताओ किस दाग में पड़े हुए हैं? वो जो किले के पीछे नंबर दो का दाहक है उसी में उदयराज पड़े हुए हैं। लेकिन बहना बोलो ये बात अपने भाई और पिता से मत बताना नहीं तो इसे समझ लो हमारे जान लो नौकरी तो नौकरी छोड़ दो हम दुनिया खत्म हो जाएगी। नो ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा ऐसा। ये इज्जत तुम्हारे हाथ है मात बहना। भैया मैंने तुमसे क्या कही थी कि जैसा मेरा भाई सूरज वैसे तुम मेरे भाई। ठीक है बहना आप तो समझते हो कि भाई और बहन का रिश्ता कौन होता राखी और बंधन का। भैया अगर तुम्हारे में जरा सा प्यार मेरे दिल में नहीं होता तो ये हाल हमें नहीं बताते। तो ठीक है बहना तुम जा कर के उदयराज को कहते से छुड़ा दो तो हो सकता तुम्हारा गाना अवश्य होगा। ठीक है जा सकते हो तुम। हाय देखई रहिया हम गौने कई दाहक पर आ चुकी हूँ। अब मुझे आवाज लगाना चाहिए वो क्या जाने कौन आए यहाँ पर है। हाय निकलो देवरी तुम दाहक से Yeah.
ये रास्ता छोटा है, हाय फेंक कई रास्ता हाय जाईदा। तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हें निकालने आई हूँ, तुम रास्ते को पकड़ ले, मैं तुम्हें खींच लूंगी। अरे नहीं भाभी, बोलो अरे भाभी, मैं रास्ता फेंकती हूँ और तुम रास्ते का पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लूंगी। सुनो मेरी बात तो कहिए। अरे तुम्हारे निकारे जो हमारे करे बोलो। अरे इतनी नेकी जो बनी अरे इतनी नेकी जो बनी आवई अरे कनवर खबरी तेरु पछला। चानी, इतनी नेकी की बात क्या है, तुम मेरे देवर हो। हाय जान कुर्बान तुम्हारी भाभी कई अभी। हाँ बोलो। अगर तुम हमको मानती हो तो मैं तुम्हारा देवर हूँ। क्यों नहीं, मैं तो रास्ता फेंकती थी, क्यों नहीं पकड़ते, मैं तुम्हें खींच लूंगी। नहीं भाभी, मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि तुम जानती हो अरे जो मैं निकलूं आज का Thank you.
किस तरह लिख रोगे, मुझे कोई उपाय बताओ। सुनो भाभी, कहिए। अरे चिट्ठी भेज दो भाभी, अरे तुम्हारे। मैं तो बड़ी कोशिश करके आई थी कि मेरा भाई सूरज ने तुम्हें दाग में डाल दिया है और सांप बिच्छू और उसे मारने के लिए तुम्हें भेजा है और मैं निकालना चाहती थी, लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारे निकाले से हम नहीं निकलेंगे, किसी दिन तुम ताना मारोगी, तो ठीक है मैं अभी इसी वक्त कनूज को चिट्ठी भेजती हूँ। मैं हाँ भाई, चिट्ठी भेज दो और जब मेरे दादा आएंगे तब भी निकलेंगे। ठीक है तरबाल, तरबारी पता नहीं कहाँ चला जाता है।